थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हिमा गुप्ता है और मैं यहाँ मुहूर्त में आई हुई हूँ फिल्म के लिए। मे बी जहाँ तक मेरी बात हो रही है फसल जी, जो दिनेश जी की फिल्म है। ऑब्वियसली अच्छा होगा, जब स्टार्टिंग इतनी अच्छी है तो एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। दिनेश जी के साथ की है एक फिल्म जिसका नाम है जानलेबू का, दिनेश जी के अपोजिट। एंड उसके पहले की थी मैंने खेसारी जी के साथ, फिर पवन जी के साथ, एंड ये अपनी मेरी चौथी फिल्म है। देखिए अभी तो हम मुहूर्त में आ रहे हैं तो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे कि लाइक कैरेक्टर कैसा है, क्या चीज़ है, बट हाँ जो भी है बेस्ट है, ऑसम है। फसल का कॉन्सेप्ट एक फसल के नाम से ही पता चल रहा है कि एक लाइक जो क्या बोलते हैं उन्हें किसान फार्मर जिसे बोलते हैं, तो लाइक उन्हीं से रिलेटेड है ये स्टोरी पूरी। बहुत अच्छा, और जब भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज वो इतना मतलब इतना लाइक होता नहीं एक को आर्टिस्ट को बहुत डोमिनेट करते हैं, कभी ऐसा फील नहीं होने देते हैं। स्टार्टअप जिसे कहते हैं वो कभी ऐसा फील नहीं होने देते, सो इट्स वेरी नाइस है उनके साथ किया हुआ है मैंने, सो होपफुली के लिए भी हुआ। हाँ जी, दूसरी फिल्म वहाँ का मुझे कुछ ऑफर मिलता है तो डेफिनेटली आई विल डू। मैं आपकी नज़रों से स्टार प्लस का न्यू शो है सो मैं उसे कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सी एज एन आर्टिस्ट मुझे दोनों इंडस्ट्री सेम ही लगती है, चाहे वो हिंदी हो या भोजपुरी हो, मुझे ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता। थोड़ा सा होता है बिहेवियर का जो लगता है चेंज कि लाइक यहाँ पे मतलब चीज़ें थोड़ी जल्दी होती है, वहाँ पे थोड़ा स्लो, सो बस इतना है। एंड थोड़ा बहुत टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का फर्क है, दैट्स इट, लाइक ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं वैसे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.